You are watching my nice academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 8, Chapter 2, Exercise 2B, Question number 12. Saima had a piece of cloth measuring 593.66 centimeter. She cut off a 28.5 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? वो कह रहा है कि भाई साइमा ने एक कपड़े का पीस ख़रीदा जिसकी पैमाइश ये है, उसने इसमें से क्या किया, इतना पीस कट कर लिया है। अब वो कह रहा है कि बाकी कितनी उसकी लेंथ रह गई है। वेरी सिंपल है यार ये तो। अ पीस ऑफ क्लॉथ 593.66 सेंटीमीटर, ठीक, कट ऑफ पीस कितना है, 28.5 सेंटीमीटर। रिमेनिंग क्लॉथ ये हमने मालूम करना है। सिंपल सा एक्चुअल में से ये जो एक्चुअल लेंथ है इसमें से ये लेंथ निकाल देनी है, माइनस कर देनी है। ऐसे ही है जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और 10 में से 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, बाकी कितने, तो बाकी तो 8 रुपए रह गए। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है। 6 1.13 में 13 हो गया, कैरी किया तो ये 8 गए, 5 आ गया, इधर 8 6 रहे, 8 में से 2 गए, 6 5। ये रिमेनिंग जो इसका क्लॉथ है वो आ गया 5.16 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक राउंड फिगर में निकाल, एक राउंड फिगर ले लेंगे इसका ना। अब इसका हम सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे 4 के बाद, 1 2 3 4। 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 और 5 से बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा, 5.62 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। माहीन कवर्ड डिस्टेंस कितना है जी, 2.23 किलोमीटर। फहीम कवर्ड डिस्टेंस थ्री पॉइंट टू फाइव टाइम्स मोर देन महीन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फहीम, फाइंड डिस्टेंस फहीम
सिंपल है, इसे ये आसान सा है बड़ा। और फिर आगे वो कह रहा है अप्रॉक्सीमेट योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या करना है, 2.23 को 3.25 से मल्टीप्लाई कर देना है तो फहीम का एक्चुअल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। 5 3s are 15, 1 5 2s are 10, 1 11, 5 2s are 10, 11 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6। इसको प्लस करेंगे सबको, 5 7 9 10 14, 1 आ गया, 10 11 12 आ गया, 1 आ गया 7। कितने के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया। अब वो ये कह रहा है कि थ्री फिगर थ्री कहाँ तक, ये कह रहा है अप्रॉक्सीमेट योर आंसर, अप्रॉक्सीमेट योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 तक, 1 2 3, 3 तक आ गया। 3 के बाद ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा आंसर 7.25 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, मारिया वेंट शॉपिंग इन अ यूटिलिटी स्टोर एंड ही ट्राइड टू स्टे विद इन हर बजट। शी एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ द आइटम बाय कीपिंग टोटल इन हर हेड। शी हैज़ RS 5000। इफ शी बॉट ज्वेलरी इतने, वॉश ऑफ इतने, टू ड्रेस फॉर इतने के, डज शी हैव एनफ मनी। इफ येस देन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिड शी सेव। मारिया जो है शॉपिंग करने एक यूटिलिटी स्टोर पे गई, उसने, उसके पास टोटल अमाउंट थी 5000, उसने 550 के जो है वो ज्वेलरी ख़रीदी और एक वॉश ख़रीदा फॉर 185 का, और टू ड्रेस ख़रीदे 3999 के। अब वो कह रहा है कि क्या उसके पास रकम काफ़ी थी, अगर थी का पूरी थी तो, और उसने कितने उसमें से सेव किए, ये अप्रॉक्सीमेटली उसने उसे बता, उसके बारे बताना है। टोटल अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, टोटल अमाउंट 5000। ठीक है, अब इसने ज्वेलरी ली, ज्वेलरी ली है, ज्वेलरी बाई की है, कितने की, 500.50 रुपीस की, और वॉश ख़रीदा है उसने 185 का। ठीक है, और क्या है, टू ड्रेस ख़रीदे हैं, टू ड्रेसेस बाय किए हैं, कितने के, 3999 के। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक हो गया, 399, इसमें 185, 500.50, 50, 9, 10, 14, 1, 18, 1, 16, 1, 4, ये आ जाएगा टोटल
एक्सपेंडिचर उसका है 4684.5 रुपीज़। अब सेविंग क्या हुई है उसकी, 5000 - 4684.50 = कितना हो गया, 5000 - 4684.5 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 00, यहाँ पर रह गया 9 में से 4 गया 5, यहाँ 1, यहाँ 3। उसके बाद जो सेविंग आई, सेविंग 315.50 ये उसके पास सेविंग हुई, और इसका अप्रॉक्सीमेटली में करेंगे तो 315 भी कह सकते हैं, या ये क्योंकि 5 डेसिमल के बाद तो इसको हम 316 भी कह सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 14। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।